खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अवार्ड मिलने पर खुशी तो होती है और मुझे भी बहुत खुशी है कि मुझे इस लाइक समझा गया कि मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। हालांकि मैंने अभी ऐसा कुछ किया नहीं है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी बहुत सारे मनपसंद रोल करने बाकी हैं, तो लेकिन फिर भी अवार्ड तो अवार्ड है, हमेशा सिर माथे पर रखने की चीज़ है। मैं इस अवार्ड को अपने सिर माथे रखता हूँ और आगे की यात्रा के लिए अपने आप को तैयार करता हूँ। सर, जैसे ही आपने कहा मनपसंद रोल करना निभाना बाकी है, कौन सा ऐसा मनपसंद रोल है जो थोड़ा सा अटपटा सा हो, जैसे मेंटली रिटार्टेड आदमी होता है उस तरह का रोल जिसको कि कुछ भी जो बेखुदी का रोल हो जिसमें अपने आप को यही नहीं पता चले कि हम कर क्या रहे हैं, इस तरह के तो फर्स्ट टाइम मेरे को आज तक सिनेमा अवार्ड मिला और ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। खास करके विपुल जी और पुनीत खरे साहब ने इतना रिस्पेक्ट दिया, थैंक यू उनको। और ऐसे ही आगे बढ़ते जाए हमारा आज तक सिनेमा, लोग देखे और बहुत तरक्की हो इनका। हम लोग तो करते आ रहे काम इतने साल से, बस चलता है, बढ़िया चल रहा है। दो साल से मतलब जो भी इंडस्ट्री बंद थी, अब वापस एक बार फिर शुरुआत हुई, फिर अवार्ड शुरुआत हुआ है, ये तो बहुत बढ़िया है। दो साल से सब ने स्ट्रगल किया, ए टू जेड ने, हमने भी किया है, ऐसे कोई बात नहीं, मगर दो साल के बाद जो काम अभी शुरू हुआ है
कमाल शुरू हुआ है। अभी लोग सब बिजी हो गए, ए टू जेड फिल्म इंडस्ट्री ऐसे उड़ गई है, वापस पिकअप ले ली, फिर अच्छी अच्छी पिक्चरें बन रही। मैं कर रहा हूँ पंजाबी, कर रहा हूँ पंजाबी मूवी कर रहा हूँ, अभी मैं लंदन की एक मूवी कर रहा हूँ, तो बहुत बढ़िया चल रहा है। और मेरा एकेडमी भी खुल रहा है, अभी मैं लगाऊँ कोई नया एकेडमी खोलने के लिए, डांस एकेडमी सर, डांस एकेडमी, वो भी लंदन में कोशिश चल रही है, शायद जून जुलाई में शुरू हो जाए। नमस्ते, मेरा नाम है मधुलग्ना दास और मैं हैदराबाद से आई हूँ। आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड और बहुत थैंकफुल टू पुनीत खरे सर एंड नरेंद्र शर्मा सर, उन लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया और डाउन साउथ से मुझे बॉम्बे बुलाया और मुझे अवार्ड दिया। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क इन बॉलीवुड, आई एम रियली इंटरेस्टेड। और अभी मैं यहाँ पर काम करना चाहती हूँ साउथ में, आई हैव डन 10 to 15 मूवीज एंड हिंदी में ऑल्सो आई एम डूइंग नाउ। तो रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू एंड yeah, I'm really happy about this. Cinema hai, aaj tak hai, and precious hai. It's an honor to be a part of this awards, also to get one, and I'm very excited and very happy. ये क्या अवार्ड आपके लिए कितना मायने रखते हैं? अवार्ड्स हर किसी के लिए मायने रखते हैं और मेरे लिए भी बहुत मायने रखते हैं, सिर्फ मेरे लिए नहीं, आई थिंक एवरी वन। अवार्ड्स इज स्पेशल फॉर एवरीबडी बिकॉज इट्स लाइक यू नो वन मोर डाउन, सो इट्स लाइक आई एम गोइंग टू काउंट दिस वन मोर अवार्ड एंड गोइंग टू गो एंड कीप इन माय यू नो स्पेस, सो इट इज ब्यूटीफुल टू रिसीव एन अवार्ड। ऐसे नाम होता सिनेमा आज तक नाम आता है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है कुछ? थोड़ा सा नर्वस हो रही हूँ मैं यहाँ पर इतने सारे सीनियर्स को देखकर, इतने सारे सीनियर्स मैंने एक साथ देखे नहीं है, एक साथ एक अवार्ड्स पर, तो आई एम अ लिटिल नर्वस। या दिस इज़ अ प्रेस्टिजियस अवार्ड एंड ऑफ कोर्स जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ जाती है, बहुत सारी बढ़ जाती है। पहली बात तो इनको बहुत बहुत मेरी तरफ से मुबारकबाद हो कि सिनेमा आज तक देखिए आज के माहौल पे अगर वो जिंदा है और कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, एंड उनको मैं तहे दिल से बहुत बहुत मुबारक। खरे जी और नरेंद्र शर्मा जी से अवार्ड कहते हैं उनके बारे में? नहीं, अभी एक चीज़ तो मुझे इतना अच्छा ये प्रोग्राम होगा उसका अंदाज़ा नहीं था। मैं तो ऐसा आया था कि भाई जैसे इनको मेरे आने से अगर उनको खुशी महसूस होती है तो वाई नॉट, तो मैंने इसके लिए मिलने के लिए आया और बहुत अच्छा लगा। अच्छा किया, अगर उन्होंने इस साल अच्छा किया तो अगले साल इससे भी अच्छा होगा। नाम भी सिनेमा आज तक है? हाँ, वो वेरी गुड, वेरी गुड एंड जब अच्छा नाम है, जिंदा नाम है। आज तक पांचवें संस्करण से आपको अवार्ड दिया गया? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ विपुल जी की, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे इस अवार्ड से नवाजा और मैं काफ़ी खुश हूँ। अच्छा, मैंने आपकी ये भी देखी, उसमें आप कह रहे हो शायद मुझे भी मिल रहा है, डाउट था आपको? हाँ, मुझे था डाउट कि हो सकता है कि सिर्फ अटेंड करने के लिए बुलाया हो, या ज़रूरी नहीं है ना कि आप जो भी आप अवार्ड में जाते हैं आप आपको अवार्ड ही मिले, बट थोड़ा बहुत था यकीन कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मुझे। सरप्राइज था आपके लिए? जी हाँ, सरप्राइज था। नाम है सिनेमा आज तक, ये कितना मतलब आपके लिए? सिनेमा आज तक, सिनेमा कल तक और सिनेमा हमेशा रहेगा मेरे लिए। तो मैंने जब से होश संभाला है आफ्टर स्कूलिंग, मैंने कैमरा देखा है, सो मेरे लिए तो कैमरा मरते दम तक रहेगा, सो सिनेमा ऑलवेज ऑल द टाइम। इन दिनों क्या हो रहा है? इन दिनों अभी जस्ट मैं अपने 4-5 प्रोजेक्ट्स के शूट से फ्री हुई हूँ और अभी मैं थोड़ा सा फ्री टाइम में हूँ। बहुत जल्दी मैं अपनी एक नई फिल्म शुरू करूँगी, एक्शन फिल्म शुरू करूँगी और एक सरप्राइज़ है वो जो वक्त आने पर बताऊँगी। एक्शन करती हुई नजर आएगी? हाँ, एक्शन करते हुए नजर आऊँगी। क्या कहूँगा मैं, यही कहूँगा कि एक बार फिर से सिनेमा आज तक अचीवर्स अवार्ड के लिए मुझे बुलाया गया, फिर से आशीर्वाद दिया गया, फिर से ये प्यार दिया गया, उसके लिए अनेकों अनेक शुभकामनाएं, अनेकों अनेक ढेरों ढेरों धन्यवाद। सर, कई सारे अवार्ड आपको मिले जी, ये अवार्ड कहाँ? देखिए, हर अवार्ड की अपनी अहमियत होती है, उसका वजन होता है, तो ये भी एक बड़ा अच्छा अवार्ड है, बहुत प्यारा अवार्ड है और लेके खुशी है। मुझे आज बेस्ट सोशल एक्टिविस्ट के अवार्ड से नवाजा गया, मैं बहुत बहुत खुश हूँ इस बात से कि अब मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि अपने समाज के बारे में भी सोचने लगी हूँ, अपने देश के बारे में सोचने लगी हूँ और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम
देश के लिए, समाज के लिए कुछ करें, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हम क्या कर सकते हैं देश के लिए या अपने समाज के लिए। फिलहाल मैं लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ ताकि आगे चलकर एक ज़बरदस्त वकील बन सकूँ, जिसके चलते मैं प्रो बोनो केसेस लड़ सकूँ तमाम गरीब, ज़रूरतमंद और पीड़ित महिलाओं के लिए जिन्हें न्याय की तलाश होती है। उसके अलावा मैं बहुत जल्द एक एनजीओ लॉन्च करने वाली हूँ, जिसका आयोजन मैंने कर दिया है। उसका नाम रखा है प्रकाशम फाउंडेशन, जिसके तीन अहम उद्देश्य हैं। पहला, गरीब ज़रूरतमंद मरीज़ों को डायलिसिस ट्रीटमेंट ऑफर करना, दूसरा उन्हें फ्री हेल्थ चेकअप ऑफर करना, और तीसरा गरीब ज़रूरतमंद बच्चों को पौष्टिक आहार देना। तो ये तीन मेरे एनजीओ के अहम उद्देश्य होंगे। बहुत खुश हूँ अंदर से, और बहुत खुशी हो रही है। और हमारी फिल्म जो आ रही है गाली गलोच, आज ही हमने उसकी शूटिंग ख़त्म की है और अब पोस्ट प्रोडक्शन, तो ये अच्छी शुरुआत है, जोश भर दिया इन्होंने सिनेमा आज तक में। जो आज तक सिनेमा बना उसमें मैं समझता हूँ कि हमारी फिल्म गाली गलोच भी अब शामिल होगी। और गाली गलोच का टाइटल सुनकर सबको अचंभा होगा कि सुनील पाल और गाली गलोच कैसे, तो भैया देखो जिस तरह से गजनी फिल्म में गजनी विलन था, वैसे गाली गलोच फिल्म में गाली गलोच विलन है। हम ये दिखाने की कोशिश करें, दर्शाने की कोशिश करें कि दर्शकों का क्रीम मनोरंजन होना चाहिए, कोई नौटंकी नहीं होनी चाहिए, कोई वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए। और इसकी कोशिश में हम लगे हुए हैं, सदियों से लगे हुए और हमेशा लगे रहेंगे कि साफ सुथरा मनोरंजन होना चाहिए दर्शकों के सामने। दिल, दिमाग, आंखें, आवाज़, नेचर, नियत और कंटेंट हमेशा साफ सुथरा ही होना चाहिए। नरेंद्र वर्मा जी, अपने खरीदने नरेंद्र भाई, नरेंद्र जी ये तो जहाँ भी जाए नरेंद्र नाम छा ही जाता है, चाहे अवार्ड में हो, रिवार्ड में हो या देश संभालने हो, नरेंद्र का कोई जवाब नहीं। इसलिए तो कह रहा हूँ कि नरेंद्र के साथ में तो कोई झूठे लोग तो होंगे ही नहीं, सब खरे खरे ही होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि सब खरे हैं, सब नरेंद्र है, और अवार्ड लेने वाला हर व्यक्ति मेरे दिल में अंदर है। आज मुझे सिनेमा आज तक अचीवर्स अवार्ड 2022 से सराहाया गया है, मैं बहुत खुश हूँ। और आज ज़्यादा ख़ास है क्योंकि मेरा गाना भी लॉन्च हुआ है आज यहाँ पर, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए हो नहीं सकती। तू है मेरा, जो मेरा गाना आज रिलीज़ हुआ है और सबको इतना पसंद आ रहा है, सो थैंक यू कि आपने मुझे अवार्ड भी दिया और मेरे गाने को भी इतना पसंद दिया। जी घर पर है शो को मिले हैं आज चार अवार्ड्स, मेरे हाथ में एक मेरी ट्रॉफी है, एक भाभी जी घर पर है हमारे प्रोड्यूसर संजय जी और बिनायफा मैम की ट्रॉफी है, रोहिताज जी बेस्ट एक्टर कॉमेडी एंड दीपेश भान बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कॉमेडी। और मैं यहाँ पर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं एक एंकर रही हूँ और बोलना मेरा काम रहा है, और मैं कैमरा फेस करती रहती हूँ, ये भी फेस करते रहते हैं। मैं स्पीड से बोलूँगी लेकिन अब मैं चुप हो जाती हूँ, अब ये बोलेंगे। नहीं, मैं सिनेमा आज तक के ऑर्गेनाइजर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, नरेंद्र जी का और पुनीत जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, अनुषा जी और सिमरन जी जिन्होंने पूरा जलवा बिखेर रखा था सेट पे, उनका बहुत शुक्रिया, पूरी टीम का हमारी शुक्रिया, क्योंकि इस सीरियल ने हमें वाकई एक अलग मुकाम पे पहुंचाया है। और मैं बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ कि मैं इतने बड़े शो का हिस्सा बनी हूँ। मेरा कैरेक्टर है रूसा, जो आपको मलखान के साथ ज़्यादा नज़र आती है, तिवारी जी के साथ रोए मेरे सीन्स कम होते हैं, प्लीज़ मेरे सीन्स बढ़ाए जाएँ ताकि मैं सबके साथ नजर आऊँ। एंड बिनायफा मैम इज़ नॉट इन टाउन, शी इज़ ट्रैवलिंग अब्रॉड, तो उनकी तरफ से मैसेज है सभी मीडिया पीपल के लिए, आप सब लोगों के लिए जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोगों को, कि बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की वजह से आज हम यहाँ पर खड़े होके ये बोल रहे हैं जो भी हम दिल की बात है। और उनकी तरफ से थैंक यू सो मच, स्पेशल थैंक्स टू अनुषा मैम, स्पेशल थैंक्स टू ऑर्गेनाइजर्स, एवरीवन, ईच वन ऑफ यू जिनका रोल है इस शो को आगे बढ़ाने में। सबसे पहले नायका मैम को थैंक यू, और संजय कोहली सर जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, हमने इनके साथ बहुत काम किया है, मैंने 2008 से काम कर रहा हूँ उनके साथ, काफ़ी काम किया है। और ये आईडी2 प्रोडक्शन हाउस है हमारे प्रोड्यूसर्स का, मेरे लिए बिल्कुल फैमिली जैसा है। और हमारे जो राइटर है मनोज संतोषी जी, जिन्होंने ये किरदार उतारे है पन्नों पर, और रघुवीर जी, और सबसे खास इंसान जो मेरी ज़िंदगी में बहुत महत्व रखते हैं वो शशांक बाली सर, हमारे डायरेक्टर, कमाल के इंसान, और इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बींग।
और बस ये कहना चाहूंगा कि मुझे लग रहा है कोई साउथ की नई फिल्म आ रही है, इसमें स्टेन गन की सामने फायर हो जाएगा यहाँ से। भाई अक्का चश्मा से लगा रहा हूँ, बाल तो ऐसे लंबे लंबे कर रखा लोहंडियान की तरह, पीछे से कोई देख लो तो एकदम लगे लोहंडिया आ रही। भैया ये बाकी सब तो ठीक है, जो बंदूक बंदूकन के इतने सारे मुंह खोल रखे 5-10 क्या आदमी को गोली मारने को रात को। तो गोलियों की जगह बोलियां हैं, अब हम बोल रहे हैं तो ये बोलियां हैं, पंजाबी में सुना है बोलियां डालते हैं, तो हम बोलियां डाल रहे हैं समय, मतलब हम बोल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है ये सम्मान मिलकर, एंड सिनेमा आज तक से यही कह सकता हूँ बहुत शुक्रिया, एंड मेरी फिल्म अब मुझे उड़ना को ये अवार्ड मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। ये अभी ये 40 अवार्ड हो गए, 40 अवार्ड्स, एंड शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नरेंद्र जी, पुनीत जी का, रॉनी जी का, जो मुझे इतनी खूबसूरत जगह लेके आए, एंड द अवार्ड फंक्शन वाज रियली नाइस। आई विश यू द बेस्ट, थैंक यू सर। सिनेमा आज तक रॉक्स। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार और बहुत सारी शुभकामनाएं मैं दूंगी अपने पुनीत खरे जी को जिन्होंने ये अवार्ड फंक्शन करवाया है। हम लोगों का सम्मान तो सभी लोग करते हैं, लेकिन आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, सारे जर्नलिस्ट हैं, PROs हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो आप लोगों का भी सम्मान होना तो लाजमी है कि नहीं। सो मैं बहुत खुश हूँ कि हम जिस फील्ड में हैं, हम सब लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, और मैं चाहती हूँ कि इस तरह के अवार्ड्स होते रहें। सिनेमा आज तक फिफ्थ अचीवर अवार्ड सिनेमा आज तक आज के दिन है हुआ है, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पुनीत खेरे जी का और नरेंद्र शर्मा जी का और विपुल शाह जी का मुझे इस अवार्ड से नवाजने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और दिस इज़ द फिफ्थ अवार्ड और मुझे ये तीसरी बार मिल रहा है, तो ऑलरेडी मुझे दो बार ये अवार्ड मिल चुका है और ये तीसरी बार मिल रहा है, तो इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगी पूरी टीम का, सिनेमा आज तक पूरी टीम का, मेरी तरफ से दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुझे फिल्म कैटेगरी में भी मिला है और मुझे एज अ इवेंट्स कैटेगरी में भी मिला है, दोनों इसमें मिला है मुझे, एज अ क्लासिकल बेस्ट परफॉर्मर और सूफी परफॉर्मर के लिए मुझे दिया गया है। ओके, इन फैक्ट आई केम टू टॉक अबाउट कास्ट इराडिकेशन, दैट्स माय सब्जेक्ट। आई एम इन फैक्ट इनवाइटेड बाय द ऑर्गेनाइजर्स इंक्लूडिंग अशफाक जी हु इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। I live in Dubai. I am an advocate. I've been practicing there for more than about 45 years. Apart from that, people called me airport boss, onam boss. There's so many names for the contributions that I have done to the society. Now my subject, as I told you, caste eradication, jati nirmarjan. I have been researching on the subject for more than 40 years. And I wrote a book called Caste Away, India, Hinduism and Untouchability. You all may know that there was no caste system before 300 years. There was Varna Vyavastha. So Jati Vyavastha came during the British India rule. The name Varna has been replaced by caste Jati. In our Vedas, Shastras, Puranas, Itihasas, Bible, Quran, nowhere there is a word you can find. मुंबई में जब भी कोई अवार्ड मिलते हैं तो बहुत बढ़िया लगते हैं, बंगाल में तो मिलते रहते हैं, जब मुंबई में हाथ में ये आते हैं ना तो बहुत खूबसूरत फीलिंग होती है, क्योंकि हमारी यू नो बहुत सालों से मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से एसोसिएशन है, जब से मैं बंगाल में शुरू किया थोड़ी देर के बाद ही मुंबई में शुरू किया, ये अवार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आज तक सिनेमा को धन्यवाद, कोविड के बाद सब लोग एक साथ हुए और हमारे सुख दुख बांटे, ये जब भी कोई अचीवर को हाथ में ये होता है तो अचीवमेंट का और भी मज़ा आते हैं और आगे चल के और भी अच्छा काम करने का जुनून बनता है। तो आई थैंक द होल ऑर्गेनाइजेशन एंड द ऑर्गेनाइजर्स टू ऑर्गेनाइज दिस ब्यूटीफुल अवार्ड, मिस्टर नरेंद्र जी, पुनीत जी एंड व्हूसोएवर इज अटैच टू दिस। बहुत होनहार कलाकार को आज अवार्ड मिला, मुझे बहुत खुशी है आगे चल के और भी काम अच्छा काम करे और ऐसे ही अवार्ड मिले। इन्होंने जो अवार्ड दिया है मुझे, इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, बड़ा अच्छा लगा और आप सबसे मिला, बहुत खुशी हुई। पुनीत खरे और नरेंद्र जी और साथ में जो अपने विपुल जी, इन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और इतने प्यारे प्यारे लोगों से मुझे मिला। इट्स गुड टू बी हियर। अभी 6 तारीख को तो मेरा खुद का ही अवार्ड है, अनवीलिंग ऑफ सिनेबस्टर ट्रॉफी।
इस तरह के अवार्ड मिलना सिने बच्चा के कितना लाभदायक होगा, कितना फायदा होगा? कौन सा अवार्ड? इस तरह से अवार्ड मिलना, सिने मास्टर से अवार्ड मिलना, इट्स गुड, इट्स गुड, नो इश्यू, बट सिने मास्टर का अवार्ड देखोगे तो पता चलेगा। तो वो तो अलग ही होगा सर, वो अपना है सर। ऐसा थोड़ी है, तो अपना ही सर, तो अलग ही होगा, वो तो गोल्ड है सर, गोल्ड वहाँ पे पता भी आ गया क्या? इट्स एन ऑनर टू बी हियर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू नरेंद्र जी, थैंक यू पुनीत जी, इट्स रियली एन ऑनर टू बी हियर फ्रॉम सिनेवेस्टर मैगजीन, थैंक यू। यस जी, मेरा नाम पुष्पेंद्र राज है और मैं मीरा रोड से आया हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है जो नरेंद्र शर्मा जी ने मुझे इन्वाइट किया, और विपुल शाह जी को अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ जो उन्होंने आज तक का ये मुझे बहुत बड़ा अवार्ड दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी रहूँगा और ये लाइफ टाइम मुझे याद रहेगा। काफ़ी खुशी मिल रही इस सब अवार्ड पा करके। एक्चुअली मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और एक मेरा NGO है कैंसर कंट्रोल मिशन के नाम का, और मैं NGO चलाता हूँ और कैंसर के बच्चों को पिछले 12 साल से कंटिन्यू हेल्प करते आ रहा हूँ। तो उन्होंने इसके लिए मुझे सम्मानित किया, यहाँ पर बुलाया, इनवाइट किया और ये अवार्ड दिया, काफ़ी खुशी हो रही है। तो किस तरह से हेल्प करते हैं, तन धन मन किस तरह से? जी ज़्यादातर हम उनको फाइनेंशियली हेल्प करते हैं और मेंटली भी हेल्प करते हैं। सबसे ज़्यादा हमारा फाइनेंस सेक्टर में उन लोगों को उनके इलाज के लिए सपोर्ट करना, वो सबसे बड़ा योगदान रहता है। एवरीवन, मैं अनु सिसोदिया आगरा से हूँ और मुझे आज बड़ी खुशी हुई है कि विपुल आर अवार्ड जो हर साल किया जाता है मुंबई में, और इस साल इस अवार्ड में मुझे आने का मौका मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। और ये जी मेरा प्रोडक्शन हाउस है, कृतिका फिल्म प्रोडक्शन हाउस, नहीं मुंबई में है और एक्चुअली दिल्ली में भी ऑफिस है। तो बेसिकली आई डू फिल्म्स और टीवी शोज, डॉक्यूमेंट्रीज, कॉर्पोरेट शोज, तो दिस कम्प्लीटली फिल्म प्रोडक्शन हाउस। और मैं अपनी ये एक्चुअली मुझे डायरेक्टर अवार्ड मिला है, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है। अभी सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया और मुझे अवार्ड दिया गया, और ये अवार्ड काफ़ी खास है क्योंकि ये गेम शो जो है वायरल विद विपुल, जिसके लिए मुझे अवार्ड मिला है, वो मैंने खुद ही क्रिएट किया, खुद ही बनाया, और कोविड के चलते काफ़ी महामारी का समय था, सबको पता था, तो उसमें एक क्रिएटिव आदमी क्रिएटिव योगदान क्या दे, इस परिस्थिति में उलझा हुआ था। तो मैंने सोचा गेम शो बनाया जाए जिसके ज़रिए कुछ लोगों को खुशी बांटी जाए, कुछ को रोज़गार और ज़रूरतमंदों को थोड़े पैसे, और उसके ज़रिए एक शो बनाया। मिराज एक ग्रुप है जिनसे मैंने सपोर्ट मांगा, वो स्पॉन्सर के रूप में सामने आए, जो सब लोग बंद कर चुके थे अपना दरवाज़ा, तो मिराज सामने आए, उन्होंने बोला अगर लोगों के हित के लिए कुछ करना है तो मैं तैयार हूँ, और वो सामने आया और एक बहुत ही यूनिक गेम शो बनाया जिसमें सभी मेरे दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया, सरगुन मेहता, रवि दुबे, दिव्यंका त्रिपाठी, विवेक दहिया, गुरमीत, देवीना, जय, माही, टेरेंस लुए, सोनू निगम जी और कई सारे और लोग जिनका नाम मैं शायद भूल पा रहा हूँ, उन्होंने योगदान दिया और हमने एक बहुत अच्छा शो बनाया और उसके लिए आज मुझे सम्मानित किया गया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। कितना महत्वपूर्ण है ये और कितनी जिम्मेदारी? किसी को कोई भी अवार्ड मिलना मुझे लगता है महत्वपूर्ण रहता है, और ये अवार्ड मुझे लगता है कि लोगों के का प्यार है, और ये गाना जो आज लॉन्च हुआ है काव्या जोन्स का जो गाना है जो मैंने कंपोज किया है, म्यूज़िक दिया है लेकिन गाया है उसने, बहुत अच्छा रिसेप्शन मिल रहा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, तो आई एम रियली हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड एंड थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सिनेमा आज तक 2022 अवार्ड। मैं सबसे पहले तो सभी दोस्तों का धन्यवाद करता हूँ, मीडिया वाला का भी धन्यवाद करता हूँ क्योंकि सारे मेरे यार दोस्त हैं, क्योंकि मैं मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ। ये हमारा 5वां अवार्ड था और बहुत अच्छा सफल रहा, जैसे हमारी कैपेसिटी है, जैसे हमारे पास पैसा था उस सबसे बेहतर हुआ है और आगे भी होता रहेगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो गवर्नर हाउस में है, वो भी अवार्ड का ही है, और भगवान ने चाहा तो बड़े स्टार में करेंगे और सब लोग शामिल होंगे, और मैं उन सभी कलाकारों का धन्यवाद करता हूँ जो इस प्रोग्राम में शामिल हुए, पूरा सहयोग दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कई जैसे कि बीरबल जी है, बहुत पुराने हैं, अखिलेश मिश्रा जी है, उनको भी दिया है, तो कई सालों के बाद अब जैसे फरीन है 24 साल के बाद आ रही है, विक्रम जी है, उन्होंने कोई 35 साल पहले पिक्चर की थी जूली, तो वो आए हमारे प्रोग्राम में, बड़ा अच्छा लगा क्योंकि पुराने कलाकारों को भी सम्मानित करना हमारा फर्ज है,
और कुछ नए कलाकार भी थे जो अभी काम कर रहे हैं, उनको भी हमने सम्मानित किया। और नेक्स्ट टाइम भी कुछ ऐसे कलाकार हैं जो काफ़ी साल से फिल्मों में नज़र नहीं आए लेकिन वो अभी काम करना चाहते हैं, तो उनको भी हम अगली बार अवार्ड देंगे। समाज सेवक भी लोग थे यहाँ पे, समाज सेवक थे, कुछ वास्तु से थे, कुछ एस्ट्रोलॉजर थे, कुछ कैंसर से थे। मीरा रोड से एक संस्था है, उनको भी मैंने अवार्ड दिया है। और काफ़ी लोग, कोई आगरा से आया है, कोई कलकत्ता से आया है, कोई भोपाल से आया है, तो मैं ये मानता हूँ कि काफ़ी लोग उन्हें हमारा सहयोग दे रही थी कि दूर से अपना किराया खर्च करके आए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। अब अगले कदम मुझे कह रहे हैं आप गवर्नर हाउस में करेंगे, और उसके अलावा? हाँ, बस तैयारी है। कुछ उसमें सोशल आदमी होंगे जो अच्छा देश के लिए काम करते हैं, उनको सम्मानित करेंगे। कुछ एक्टर भी होंगे, कुछ मीडिया वाले भी होंगे, उन सबको सम्मानित करेंगे। पुनीत जी के बारे में क्या कहेंगे? पुनीत जी हमारे 5 साल से हमारे साथ है, पुनीत जी और ये भाई हमारे, और इनके बगैर हमारा कोई अवार्ड हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो इनके अंदर सोचने की शक्ति है और ये जो ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोग्राम का, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं पर्दे के पीछे होता हूँ, ये पर्दे के वो ऊपर होते हैं। मेरी बहुत बहुत धन्यवाद पूरा मीडिया का, जो लोग आए आउट ऑफ द वे जाके, जिन्होंने टाइम निकाला, कलाकारों ने, पत्रकारों ने, फोटोग्राफरों ने, उनका बहुत आभारी है। और हमेशा कलाकार लोग जो आए यहाँ पे, जितने कलाकार ये सब हमारे प्यार में वापस से जो है, हमारे जो रिश्ते हैं इतने सालों से, उस पर आए सब। थैंक यू।